कैमूर एक्सप्रेस जो अपना टाइम पर पहुंचे। कई सवा साल हो गया, हम वहाँ से 3 बजे 4 बजे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर 13-14 घंटे में आए थे, 12 घंटे में। हाँ, हमारा 21 बरस हो गया बम जी। ये देखिए शिवगंगा में भी पूरी तरीके से बहुत भीड़ है, यहाँ पे भी पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। लेट हुआ, लाइन पे लगे थे। हाँ, कितना देर लाइन लगा? ये 2-3 घंटा। देखिए 2-3 घंटा तो समझ सकते हैं, आज सोमवारी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कहाँ से आए? शेरघाटी। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बाबा वैद्यनाथ धाम में और लगातार हम कावड़ियों से अपडेट आपको दिखा रहे हैं। आज ऐसे कावड़िए यहाँ पे मिले, चूंकि आज सोमवारी है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंचे हुए, बहुत ज्यादा भीड़ है, यानी कि आपको पूरी तरीके से ना पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा भीड़ है, पूरी तरीके से भरा पड़ा है मंदिर। यहाँ पे कुछ कावड़िए मिले जो कि कई वर्षों से बाबा वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा करके आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। आज सोमवारी है, आज ये आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए? गुरुआ से आए हैं। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। पूरा भीड़ है? बहुत भीड़ है। जल चढ़ा लिए? चढ़ा लिए। आप कहाँ साथ में? हाँ। तो कितने दिन? हाँ। लगा आने में? हाँ, 5 दिन। 5 दिन क्या लगा उसमें जल चढ़ाने के लिए? लोग कूद पड़े हैं, इतना ज्यादा भीड़ है। तो आप समझ सकते हैं अंदर का जो अर्घा लगा है ना, उसमें तो लाइन बहुत दूर तक चला गया, उसका भी हम आपको वीडियो दिखा देंगे। लेकिन ये बाहर जो है बाबा मंदिर बाहर में जो लगा अर्घा, उसमें देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। ये देखो आप लोगों की जनसंख्या, देखो कैसे। कैमूर जिला भभुआ से आए हैं। 21 साल हो गया, हम वहाँ से 3 बजे 4 बजे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर 13-14 घंटे में आए थे, 12 घंटे में। हाँ, हमारा 21 बरस हो गया बम जी। ये तीसरा सुमारी है। हाँ हाँ, चौथा सुमारी, प्रत्येक सुमारी जाते हैं, देख लीजिए। मेरा उपेंद्र बम नाम है, तेंदुआ गाँव है, कैमूर जिला। हाँ, हरेक प्रत्येक कैमूर एक्सप्रेस जो अपने टाइम पर पहुंचे। फर्स्ट बम है जो कि हर एक सोमवारी को ये जल चढ़ाते हैं, और आज तीसरा सोमवारी है जो कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है बम, बहुत अच्छा है। सब महादेव की कृपा है, भोलेनाथ के नगरी में। आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप देखो बाहर का अर्धा में कितना ज्यादा भीड़ है यार। जब अंदर आप जाओगे ना तो 5-7 किलोमीटर, मतलब 12 बजे रात जो चढ़ा था वो जाके चढ़ाया है 7 बजे, तो समझ सकते हैं 5-6 घंटे आपको लाइन में गुजारना पड़ेगा। इसके साथ साथ में लंबाई भी बहुत ज्यादा है। ये देखो आप कैसे चढ़ा रहे हो, बाहर से ही फेंक दे रहे हैं पानी, चूंकि इतना ज्यादा भीड़ है वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देखो ऐसे हो रहा है, इतना भीड़ है सोमवारी को, देख सकते हैं कितना ज्यादा। और जितने डाक बम वाले हैं ना, वो भी जो ना अंदर जा रहे हैं वो यहीं पे चढ़ा रहे हैं, बहुत सारे डाक बम वाले भी आपको नजर आ जाएंगे। देखिए भीड़ देखिए, पुलिस जो है ना तुरंत भगाती भी है ताकि भीड़ ना लगे पाएंगे। तो ये भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि ये बाबा धाम के लिए जाता है, यानी कि अगर आप अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो लाइन में लग के आपको इसी लाइन में गुजरना पड़ेगा। लेकिन लाइन में भी देखिए कितना धक्का मुक्की हो रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है, और बिल्कुल भीड़ कम नहीं हो रहा, चूँकि आज सोमवारी है और सोमवारी को कहते हैं बाबा पे जल चढ़ाना सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा भीड़ है। ये देखो जगह नहीं है, और ये सामने का जो बिल्डिंग दिख रहा है ना जहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग रुके हुए, उस बिल्डिंग में घुमाया जाता है 1 किलोमीटर लगभग, वहाँ पे घूम के आएंगे, फिर उधर उधर से राउंड करते हुए यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ के बाद नीचे की ओर जाएंगे और फिर जाके आपका दर्शन होगा। तो इतना ज़्यादा आपको लाइन से गुजरना पड़ेगा तब जाके आप दर्शन कर सकते हैं और फिर जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। इधर आपका पूजा का सामग्री मिल जाएगा, और इस साइड पे थोड़ा सा जो है वो भीड़ कम है, लेकिन आप दूसरे छोर पे देखें ना तो भीड़ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये आपका पड़ जाता है जो कि बिल्डिंग है जहाँ पे लाइन को लगाया जाता है, यानी कि यहाँ से लाइन के लग के और फिर आ सकते हैं आप। कहाँ से आए? शेरघाटी जिला से आए हैं। शेरघाटी क्या है जिला? हाँ, जल चढ़ा लिए, ये 10 मिनट पहले चढ़ा है। लाइन कितना लंबा लगा था? बहुत लंबा लाइन था, हम लोग VIP लाइन से आए थे। हाँ, पैसा 500 लगा था, एक आदमी पर 500 लगा था। अर्धा में ही डाले ना? क्या जी? अर्धा में ही? हाँ, अर्धा में ही डाले थे, 15 मिनट में लाइन पर डाल दिए थे। ठीक है, लाइन बहुत लंबा था। कितने लोग आए? कितने लोग? 7 लोग। कितने लोग हो आप लोग? 9 लोग। अच्छा लगा, दर्शन हो गया। हाँ, और क्या कहना चाहोगे जो आ रहा है? पहले भी आए हो? हाँ। आज बहुत ज्यादा भीड़ है। देखिए आज भीड़ बहुत ज्यादा है, इधर इनके परिजन भी आए हैं। कहाँ से आए सर? हम शेरघाटी से आए हैं, गया जिला से। दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन हो गया। बहुत ज्यादा भीड़ था। सुल्तानगंज से आ रहे हैं? हाँ, सुल्तानगंज से पैदल। कितने दिन लगा आने? आने में 4 दिन लग गया। सुल्तानगंज आए तो उधर कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा व्यवस्था है बिहार सरकार के किए हुए हैं।
और ऐसे भी झारखंड में भीड़ ज्यादा आज नागपंचमी आनंद आ रहा है, भीड़ ज्यादा है फिर भी आनंद आ रहा है। आपको मिल जाएंगे जो कि पूरी तरीके से मगन में है और पूजा अर्चना कर चुके हैं, चूंकि वीआईपी कोटा भी रहता है उसमें भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, नहीं तो फिर जनरल लाइन में लगे तो इस तरीके से आपको जनरल लाइन से गुजरना पड़ेगा। ज्यादा है कि अगर अभी आप आ रहे हैं ना तो बिल्कुल आपको ना टाइमिंग लग जाएगा, पूरा टाइमिंग लेके आए। और ये देखिए बाहर अर्धा में इतना ज्यादा भीड़ है तो अंदर आप समझ सकते हैं कितना लंबा लाइन लगा है। फिलहाल हम आगे लाइन भी आपको दिखा देंगे, लेकिन ये बाबा मंदिर का टूर था जो कि सोमवारी को कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पूरा रंग रूप जो है वो बदल जाता है और भीड़ का जनसंख्या बढ़ जाता है, पैर रखने का जगह नहीं मिलता। जो अदर डे आप चढ़ा सकते हैं ना उससे ज़्यादा भीड़ आपको सोमवारी को मिलेगा। तो यही वीडियोज था जो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट वीडियोज हम अभी आपको हम दिखाते हैं घाट की ओर ले चलते हैं, शिवगंगा में देखते हैं क्या मूवमेंट है और साथ साथ में दिखाते हैं आपको लाइन जहाँ पे लोग लगते हैं वहाँ पे। लेकिन देखो आप कितना भीड़ है, बाबा जी। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है। में लगना है बाबा धाम के लिए तो सबसे पहले आप क्यू कॉम्प्लेक्स आएंगे, क्यू कॉम्प्लेक्स से आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा होटल अभिनाश, इसके जस्ट बगल में लाइन जो है लगने के लिए लोग जाते हैं तो यहाँ पे बनाया गया जो कि पुलिस प्रशासन भी रहती है। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, पहले जो लाइन लगता था वो यहाँ पे लगता था जलसार के पास, लेकिन अब जो लाइन है वो काफी दूर पहुंच चुका है तो आपको यहीं पे मुड़ना पड़ेगा और देन फिर आगे की ओर लाइन पे लगना पड़ेगा। देखिए कितना ज्यादा भीड़ है आज सोमवारी में। कह रहे हैं कि अगर आपको लाइन में नहीं लगना ना तो बाहर के अर्धा में चढ़ा दें, चूंकि इतना लंबा लाइन आप नहीं लग पाइएगा, बहुत लंबा लाइन है। और बाहर में चढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बाबा पे जाके चढ़ता है, जिसका हम एक अलग से वीडियो बनाए कि अर्धा क्या होता है, अर्धा कैसे काम करता है और कैसे बाबा पे जल चढ़ जाता है। असलियत में हमने जो कहानी है, असलियत में जो सच्चाई है वो हमने दिखाया है, एक एक प्रोसेस कि कैसे आप जल जब बाहर में अर्धा में डालेंगे तो बाबा तक कैसे पहुंचेगा वो हमने दिखाया, जो कि हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये देखिए, नहीं तो फिर आपको लाइन लगना पड़ेगा और लाइन लगिएगा तो भैया इतना लंबा लाइन आपको लगना पड़ेगा, पूरा डे आपको इंतजार करना पड़ेगा तब जाके आप दर्शन कर पाइएगा, पूजा अर्चना कर पाइएगा। जिस तरीके से भीड़ चल रहा है ये आप देख सकते हो, लंबा लंबा लाइन है और सब कुछ फुल है, यानी कि पूरा लंबा जो लाइन है ना वो पूरी तरीके से फुल है। इसीलिए भैया आपको हम यही कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि इतना भीड़ में अगर आप आ रहे हैं तो बाहर में ही चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बाबा पे ही चढ़ता है। एक बस भरा में अंदर भी डालिएगा तो अर्धा में डालिएगा, बाहर भी डालिएगा तो अर्धा में डालिएगा, दोनों का पानी अंदर ही जाता है, दोनों का पानी बाबा भोलेनाथ पे ही चढ़ता है। आपको भोलेनाथ पे छूने थोड़े ना दिया जा रहा है, दोनों जगह अर्धा लगाया गया इसीलिए। और इतना भीड़ में अगर अर्धा ना लगाया जाए तो बहुत सारी घटना हो सकती है, वो तो सही है कि अर्धा लगा दिया गया ताकि लोग जो है भीड़ में डरते और निकल जाते हैं। ये देखो कितना भीड़ है, और पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है इतना भीड़ को संभालना, क्योंकि देखिए पूरा लंबा लाइन है दोस्तों, यहाँ से वहां से ना 5-6 किलोमीटर तक लंबा लाइन है। और देखिए खाली बम पहुंच रहे हैं, बाप रे, 12 बजे रात से जो लाइन लगाया ना वो 7 बजे दर्शन कर पाया, पूजा अर्चना कर पाया।